स्वागत है आपका रूबरू में आपके साथ, मैं हूँ नगमा खान। आज 23 जनवरी है, यहाँ पर रास्ता सुरक्षा अभियान 32वां जो चल रहा है उसके ही संदर्भ में आज सारथी फाउंडेशन में जो ट्रैफिक विभाग है, वाहतूक विभाग है, उसके साथ एक मेडिकल फ्री कैंप रखा है जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले भी आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं अपना BMI कराने के लिए, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो चेकअप करा रहे हैं और आई का टेस्ट भी यहाँ पर रखा है। हम बात करते हैं जो ट्रैफिक विभाग के मंगेशकर API हैं उनसे, और किस तरीका का उनका इस मेडिकल कैंप के चलते उनका किस तरीके से एक्सपीरियंस रहा। जी सर, स्वागत है आपका रूबरू में। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं जानना चाह रही थी, आज ये जो फ्री मेडिकल कैंप रखा है आपने सारथी फाउंडेशन के साथ में, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और ऐसे मेडिकल कैंप से आप क्या मैसेज और लोगों को देना चाहते हैं? देखिए मैम, आज हमारे देश के राष्ट्रपुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब का जन्म दिवस है। 23 जनवरी 1897 उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्मदिवस के अवसर पर हमने सर्वसामान्य आदमियों के लिए निःशुल्क सेवा में सारथी फाउंडेशन और ब्रह्म परिषद इनके सहयोग से ये कैंप रखा है, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पा रहे हैं। और पुलिस के माध्यम से ये काम अगर हम जनता के लिए कर सके, समाज के लिए, तो इस काम से बहुत समाधान मिलता है। रोज़ हम ट्रैफिक इंचार्ज है, ट्रैफिक पुलिस है, यातायात विभाग के अनुसार लोगों को जब भी फाइन मारते हैं तो बहुत बार वो बददुआ देते हैं पुलिस को, हालांकि वो हमारे काम का हिस्सा है, कर्तव्य का भाग है, पर आज इस काम से थोड़ा सा एक अलग काम करके थोड़ा सा दुआएं भी कर समेट ले, ये उद्देश्य है, बाकी कुछ नहीं। चलिए थैंक यू हमसे बात करने के लिए। और हम सारथी फाउंडेशन के अध्यक्ष सरिता नाइक जी उनसे बात करते हैं और किस तरीके से वो इस काम को मैनेज कर रही हैं और अपने और भी वो अपने NGO के थ्रू काम करती रहती हैं, तो चलिए जानते हैं कि क्या रहा उनका इसमें एक्सपीरियंस। हाँ सरिता जी, स्वागत। हाँ धन्यवाद नगमा, रूबरू की तरफ से जो आपने ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मंगेश सर का और सुधीर सर का मैं धन्यवाद कहूँगी कि एक सुरक्षा अभियान का जो उन्होंने ये जो सुरक्षा रस्ता सुरक्षा अभियान जीवन रक्षा के अंतर्गत 32वां अभियान है। 32 साल किसी अभियान को चलाना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये इनकी अपनी जिम्मेदारी वो लोग उतनी गंभीरता से लिए है, इसके लिए लोग ने 32 साल का सफ़र पूरा किया है। हम तो आज खड़े हैं, हम तो एक मेडिकल टीम लगा रहे हैं, मगर 32 साल से न कि मात्र ये अभियान चला रहे हैं, 365 दिन 24 घंटे इनका अभियान चलता है। ये एक दिन का अभियान नहीं कहूँगी मैं, ये अभियान के तहत ज़रूर आप लोगों को एक संदेश दे रहे हैं, वाहतूक विभाग के अंतर्गत जनता को संदेश दे रहे हैं कि ये जो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, हमारे सुरक्षा रक्षक, ये आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं, आपकी जन सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं। और जिस तरह आप लोग नशा करके गाड़ी चलाते हो या तेज चलाते हो, सिग्नल को आप तोड़ते हो, सिग्नल लगाया क्यों जाता है? थोड़ा किसी चीज़ को गति मिलना चाहिए, हर चीज़ को बोलते हैं ना हमारी सांसें भी तेज चलेगी तो IBP हो जाता है, तो गति तो ज़रूरी है ना हमको LBP के लिए, तो ये गति जो आप तेज आते हो, सिग्नल है, कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, इसके लिए सिग्नल, आप लोग सिग्नल का नियम तोड़ते हो, आप लोग बाइक चलाते हो जो जिस रफ्तार से, तो ये क्या समझ के रख रहे हो आप? ये आपके लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ये उनके खुद के लिए नहीं लड़ रही है, आप चालकों के लिए लड़ रहे हैं। ये जिस तरह लड़ के आपको एक संदेश दे रहे हैं कि ये तेज गति अति तिते माती, अति गति मुझे जीवन रक्षक को तुम लोग खत्म कर रहे हो, आप जब जाना सुरक्षित आप समझ रहे हो, पर जिस गति से यदि आप तेज जा रहे हो आप सुरक्षित नहीं आ पाओगे। ये जो 32वां अभियान है मीरा भाईंदर वसई विरार परिमंडल की तरफ से, तो मैं इनका धन्यवाद करूँगी, मैं ही नहीं पूरी मीरा भाईंदर की जनता इनका धन्यवाद करती है कि इस तरह के मुहिम का प्रवासी वाहन चालकों की तरफ से जो इन्होंने आज का मेडिकल कैंप रखने का जो हमको एक सारथी फाउंडेशन को ब्रह्म सेवा को जो एक मौका दिया है, मैं सारी परिवहन टीम को मैं धन्यवाद करूँगी। हम लोग इनके ऋणी हैं, क्योंकि 24 घंटा एक सर्विस देना बहुत बड़ी बात है, हम तो एक मात्र एक छोटा सा हिस्सा बने हैं जो हमारे लिए गौरवात्मक है, और सदैव हम इनकी टीम के साथ काम करना चाहेंगे। तो कड़ सर, मंगेश सर जी, सुधीर सर जी, मैं सॉरी कहूँगी यदि कुछ भी त्रुटि रही होगी आज के कैंप में, मैं वाकई में दिल से सॉरी कहूँगी। आयोजन आप लोगों ने किया बहुत अच्छा रहा, एक आयोजन आसान नहीं होता है, सारी टीम को खड़ा करना, सारे लोगों को आना, एक
इतने बड़े ऑफिसर पद पे होने के बाद भी सुबह से खड़े हैं तो लोग सब, सुधीर सर इतनी उम्र में खड़े हैं, मैं धन्यवाद देती हूँ मैं सबको। चलिए शुक्रिया हम सभी से बात करने के लिए। हम भी यही चाहते हैं कि जो ट्रैफिक विभाग है, जैसे अभी जो यहाँ के ट्रैफिक विभाग के API हैं मंगेश खड़े जी, उन्होंने कहा कि हम लोगों की बद्दुआ लेते, ये तो सही बात है, मैं भी इनसे बहुत डरती हूँ। मतलब ट्रैफिक पुलिस से पुलिस, मतलब पूरे लोगों की पत्रकार होकर भी मुझे ये डर लगता है। अभी पहले तो हेलमेट पूछेंगे, फिर ये पूछेंगे, ये बात सही है बद्दुआ लेते, लेकिन उनकी भी ड्यूटी है, तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ एक मेडिकल कैंप की बात नहीं है, मैं हम भी यही चाह रहे हैं कि सारी जो जनता है वो भी इनको कॉपरेट करे, और इनसे भी हम यही दरख्वास्त करेंगे कि ये भी इस तरीके से करे, क्योंकि मतलब एक पुलिस को देखकर सही चीज़ें कि इंसान है ना भूत प्रेत से नहीं डरता लेकिन पुलिस से ज़रूर डरता है, तो ये सारी चीज़ें कि वो इस तरीके से सारी चीज़ों को आगे करे, और बहुत अच्छी चीज़ हुई है आज से। और इसी तरह से हम सारथी फाउंडेशन को भी यही कामना देते, यही शुभकामना देते कि वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे और पुलिस का भी साथ देते रहे और सभी जनता का भी इसी तरीके से वो साथ देते रहे और जनता भी इनको इसी तरीके से कॉपरेट करते रहे। चलिए मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।